सर इन सब लोगों का आरोप है कि अभी आप लोगों ने इनके घर तोड़वा दिए, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए ऐसा है, गरीब जनता के साथ हमारे कुछ राजनीतिक लोग खेल खेलते रहे हैं पिछले 70 सालों से, आज भी वही गंदी राजनीति कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग खेल रहे हैं, हमारी गरीब जनता को जो स्लम में रहती है उनको भड़का रहे हैं। हम लोगों ने कोशिश की है माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कि जो हमारे गरीब लोग हैं उनको सही जगह पे जो फ्लैट्स, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है कि उनको फ्लैट बना के उन्हें दिए जाएं, उसी तरफ हम प्रयासरत हैं। नहर विभाग की ज़मीन है, उनके यहाँ कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि वो अपनी ज़मीन पे फ्लैट बनाएं। हमारे यहाँ हरियाणा अर्बन जो हुडा डिपार्टमेंट या नगर निगम ये काम करता है, माननीय मनोहर लाल जी का डायरेक्ट निर्देश है कि उस इन सबको जो वहाँ बहुत पहले से रह रहे हैं, हम कोशिश करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि इन सबको बसने के लिए जगह दी जाए। पर ये जो राजनीति करते हैं गरीबों के साथ, पिछले 70 सालों से राजनीति करते रहे हैं, आज वही गलत चेहरा फिर देखने को मिला है। लोगों को सांत्वना देने की बजाय उन्हें भड़का रहे हैं। मेरे से सुबह मिले थे इनके 30-35 लोग, क्योंकि पिछले 7 दिन से मैं फरीदाबाद में नहीं था। मैंने इन्हें सुबह भी इन्हें आश्वासन दिया था कि हम डिपार्टमेंट से बात करके इनको बसाने का जल्दी से जल्दी प्रबंध करेंगे। सर अभी 17 तारीख का टाइम दिया गया है, जब तक फिर इनको हटा दिया जाएगा तब तक ये लोग कहाँ रुकेंगे? क्योंकि एक वो नारा है कि जहाँ झुग्गी वहीं पर घर, प्रधानमंत्री जी ने एक नारा लिया, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? ऐसा है, हम उसी प्रयास में हैं कि जितनी नगर निगम की ज़मीन बनती है PPP मॉडल पे कहीं हम लोग उनको फ्लैट बना के दे पाएँ, कोशिश रहेगी। पर नहर विभाग का अपना भी कानून है कि उनको अपनी नहर की सुरक्षा के लिए पर्टिकुलर ज़मीन की जरूरत होती है। अगर वहाँ हम ज़मीन इनको फ्लैट नहीं बना पाएंगे तो किसी दूसरी जगह व्यवस्था करके इनको पूरी तरह से फ्लैट देने की कोशिश करेंगे। सर मैं आपसे एक अपील करूँगा, जैसे कि अभी बच्चों के पेपर हैं फरवरी मार्च में, बहुत शॉर्ट समय है, इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? सर उसका मोहलत मिला जाए, कम से कम 3 महीने का मोहलत मिलनी चाहिए अप्रैल तक, ताकि बच्चों के पेपर ख़त्म हो जाए, फिर आपको जो अप्रैल तक का समय मिला जाए। सर ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप, कर रहे हो आप, पर्चे दे दो सर, आप हमारे विधायक हो तो सर, आप विधायक, हमारी कोशिश हमारी कोशिश मेरी पूरी कोशिश रहेगी डिपार्टमेंट से बात करके कि मेरे किसी गरीब जनता को किसी तरह की भी परेशानी ना हो। पर जो लोग गंदी राजनीति करते हैं उन लोगों से इन लोगों को बच के रहना चाहिए। अब हमारे मनोहर जी का और माननीय मोदी जी का क्लियर हम लोगों को आदेश है कि हमारी गरीब जनता को, जो हमारा अपना सपना हमारे दीनदयाल जी का अंत्योदय का था, गरीब व्यक्ति का उदय, तो इन लोगों को हम जरूर इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और जहाँ तक 17 तारीख की बात है, मैं प्रशासन से बात करके इनका उस समय को जरूर कोशिश करूंगा कि इनकी झुग्गियों पे कोई आंच ना आए। सर JJP के कुलदीप तेवतिया जी बोले हैं, बल्कि वो गठबंधन की सरकार है फिर भी बोल रहे हैं कि मुझे भाजपा पर यकीन नहीं है, मतलब पार्टी के साथ जुड़े होने के बाद भी इतना बयान आना कुछ कहता है। इस बात का जवाब कुलदीप तेवतिया दे सकते हैं कि वो उन्होंने क्या बोला है नहीं बोला, मेरे सामने तो उन्होंने बोला नहीं, आपके सामने बोला तो आप उन्हीं से पूछिए। मेरे से जो आपने बोला है, मेरे उप मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी आए हैं, उन्होंने भी बोला कि मैं सारे पेपर्स चेक करके इसमें कोशिश करूंगा, पर मैं तो अपनी जनता के साथ खड़ा हूं, क्योंकि मेरे तो मैं यहां से इन्होंने मुझे चुन के भेजा है, पूरा बहुमत दिया है प्रेमनगर ने और पटेल नगर ने, एक तरफा मुझे वोट दिए, तो मैं तो इनके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, मेरा परिवार है। पर ये लोग बेचारे जो भोले भाली जनता, गरीब जनता, इनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, मुझे यही दुख है इनको सिर्फ। मैं इनके साथ 24 घंटे खड़ा हूँ, मैं इनको सुबह कोई बात नहीं जब थैंक यू।